अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, पिछली बार भी जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से ले जाया गया था प्रयागराज, तो बहुत हो हल्ला मचा था। अब बिछवाड़ा में उसकी गाड़ी फिर खराब हुई, लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर खराब रही, उस समय भी खूब बवाल हुआ, बहुत सारे सवाल। जैसे ही वहां से निकला, हमारी सहयोगी गोपी गागर ने फिर कुछ सवाल दागे हैं, सुनिए क्या कह रहा है अतीक, फिर चलेंगे गोपी के पास जो लाइव जुड़ रही है इस वक्त हमारे साथ। क्या उसके बारे में कहना है, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो उसको सजा हुई है वो अपराध जो हुई है वो सजा ज्यादा गलत सजा हुई। सजा पर गोपी क्या कहा अतीक ने, पहले भी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत उससे की थी, कभी योगी सरकार की नियत पर, कभी सजा पर, क्या कह रहा है ये? बिल्कुल, देखिए अतीक का ये जो सवाल है ये अब उसका डर दिखा रहा है अंजना, जिस तरीके से माफिया एक वक्त पर पूरे यूपी को थर थर करता था, वो डराता था, वही उसी तरीके से अब माफिया खुद डर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज अतीक अहमद से जब पूछा गया कि अतीक आपको दोबारा से यूपी ले जाया जा रहा है, तो अतीक ने कह दिया कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद पूरी तरीके से डरा हुआ है। यहाँ पे जब गाड़ी खराब हुई, 2 घंटे के लिए अतीक अहमद को यहाँ पे बिछीवाड़ा का जो पुलिस थाना है वहां पर रखा गया, हालांकि तब भी उसे एक कमरे के अंदर रखा गया था, लेकिन अतीक के चेहरे पर जो डर है वो साफ देखा जा रहा था। तो अतीक पूरी तरीके से डरा हुआ है, यहाँ तक कि हालात को अगर आप समझेंगे तो पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस का एक बड़ा काफिला उसके साथ चल रहा है, और आपको वो दृश्य दिखाती हूँ कि पुलिस का एक बड़ा काफिला जो है वो अतीक के साथ चल रहा है, साथ ही जो पुलिस कर्मचारी उसके साथ है, उन करीब 30 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी है, उनके साथ बॉडी वॉर्न कैमरा है, 25 से ज्यादा बॉडी वॉर्न कैमरा है, और उसका जो सीधा आउटपुट है वो यूपी में देखा जा रहा है। देखिए, ये सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इसके अंदर सिम कार्ड है, जो बॉडी वॉर्म कैमरा है उसके अंदर, तो हर एक चीज पर नजर जो है वो बनी हुई है। यहाँ तक अगर वीडियो है, रिकॉर्डिंग जा रही है, कहाँ यूपी में कौन देख रहा है, गाड़ी है या उसकी गोपी? बिल्कुल, ये जो पुलिस सेंटर है जहाँ पे यूपी में जो पुलिस हेडक्वार्टर है जहाँ पे पूरा इनपुट डेटा आता है, वहाँ पे इसका डेटा देखा जा रहा है, हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। और जो गाड़ी है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था 400 किलोमीटर पर हर बार फिटनेस रिपोर्ट निकालनी है, तो फिटनेस रिपोर्ट भी निकाली जा रही है, और पुलिस जो है वो काफी ज्यादा चौकन्नी है। जो हमारी पुलिस अधिकारियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका कहना है कि अतीक अहमद को यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा और 14 दिन के पुलिस रिमांड भी पुलिस के जरिए मांगे जाएंगे। साबरमती जेल टू प्रयागराज लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर्स में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ, गोपी हमारी सहयोगी। लेकिन अब भाई आपको दिखाते हैं लाया क्यों जा रहा है, इसे साबरमती जेल से प्रयागराज क्यों लाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस का प्लान ए और प्लान बी तैयार। कहां छुपी है शाइस्ता, खुलेगा एक एक राज। क्यों नहीं मिल रहा असर, मददगार होंगे बेपरदा। अतीक का सच से सामना, नहीं चलेगा बहाना। फोन कॉल से सांसद में अतीक की जान। 50,000 इनामी शाइस्ता परवीन फरार है, 5 लाख इनामी असद यूपी पुलिस की फाइल में मोस्ट वांटेड अपराधी है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों को पुलिस की कई टीमें सरगर्मी से तलाश रही है। पुलिस के लिए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी एक पहेली बने हुए हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लेकर आ रही है। आप सोचेंगे कि अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने से फरार चल रहे शूटरों का पता कैसे चल जाएगा, तो इसका जवाब है अतीक और शाइस्ता के बीच फोन पर हुई बातचीत। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता ने अतीक को फोन किया था। शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद बच्चा है,
उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। शाइस्ता की बात सुनकर अतीक अहमद भड़क गया था। शाइस्ता को डांटते हुए बोला था, असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश ने मेरी नींद हराम कर रखी थी। जवाब देते हुए शाइस्ता ने कहा, आप मुझे डांट रहे हैं लेकिन असद की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका जवाब देते हुए अतीक ने कहा था, असद शेर का बेटा है और उसने शेरों वाला काम किया है। भले ही अतीक जेल में है लेकिन शक यही है कि अतीक को सब पता है। उमेश पाल की हत्या के बाद असद और शूटर कहां छिपे हैं, एक एक राज अतीक के दिल में दफन है। अब कोर्ट के ऑर्डर पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े राज उगलवाने के लिए अतीक को प्रयागराज ला रही है पुलिस। हुआ यूं कि प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक के पेश होने की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद पुलिस वारंट बी के जरिए अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाने का फैसला किया। मकसद है अतीक को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के लिए सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। रिमांड के दौरान एक दर्जन से ज्यादा सवालों से अतीक का सामना होगा। सवाल नंबर 1, 18 जनवरी से 20 फरवरी के बीच जेल से बेटे असद के साथ क्या बातचीत हुई। सवाल नंबर 2, बरेली जेल में कैद अपने भाई अशरफ से कई बार जेल के अंदर से बात क्यों की। सवाल नंबर 3, साबरमती जेल से 75 सेकंड की कॉल पर अखलाक से क्या बात हुई थी। सवाल नंबर 4, 3 और 4 मार्च को गुजरात में किसे बड़ी रकम की डिलीवरी करवाई गई थी। सवाल नंबर 5, हत्या से पहले साबरमती जेल में आसिफ उर्फ मल्ली मुलाकात करने क्यों आया था। बरेली जेल में बंद अशरफ और शूटर मोहम्मद गुलाम नहीं चाहते थे कि असद अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया जाए, लेकिन अतीक की जिद पर असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया और उससे गोली चलवाई गई। सवाल नंबर 6, राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने की साजिश क्यों रची। सवाल नंबर 7, अगर हत्या की साजिश में शामिल नहीं थे तो शूटरों से फोन पर बातचीत क्यों की। सवाल नंबर 8, असद अहमद फरार चल रहा है, क्या तुम्हारे किसी करीबी के यहाँ छुपा हुआ है। सवाल नंबर 9, मेरठ में शाइस्ता से जुड़ा सुराग मिला है, मेरठ में कहां कहां तुम्हारे ठिकाने हैं। शूटर का नाम तो आ गया लेकिन आखिर इन शूटर को रीग्रुप किसने किया, किसने सुपारी दी, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग हुई और इसका एग्जीक्यूशन हुआ, बहुत कुछ यूपी पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन 45 दिनों में अभी तक शूटर नहीं पकड़े गए और अब अतीक अहमद बोलेगा तो राज खुलेगा। तो क्या सचमुच अतीक अहमद बोलेगा, इस पर तमाम नजरें लगी रहेंगी। कुमार अभिषेक, आज तक।